हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसएससी एमटीएस 6/8/2019 का शिफ्ट जो 1 है उसके पेपर को सोल्व करेंगे। इसके अंदर मैं इंग्लिश के जो 18-20 क्वेश्चन हैं उनको मैं सोल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है एमटीएस के अंदर, क्योंकि जो सेकंड पेपर है उसके अंदर इंग्लिश और जो जीएस है उसका वेटेज है। पहला जो पेपर है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मैथ और रीजनिंग, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं उनको सोल्व करवा रहा हूँ। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, इसमें से बेस्ट जो है ना अप्रोप्रिएट हमने सब्सटीट्यूट ढूंढना है। द हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट होता है सबसे उच्चतम, सबसे ऊपरी बिंदु, इसका मतलब क्या है? होरिजन, पैराडाइज, जेनिथ या नदिर। होरिजन का मतलब होता है क्षितिज, जहाँ पर जमीन आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन। जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है यानी कि द हाइएस्ट पॉइंट, क्या होता है? हाइएस्ट पॉइंट को जेनिथ कहा जाता है। इसके कुछ सिमिलर वर्ड हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जेनिथ, ज़रूरी नहीं है कि पेपर के अंदर यही पूछा जाएगा, जेनिथ के सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे आपसे, सिनोनिम्स पूछ लेंगे। यानी जो जेनिथ है, ZENITH जेनिथ यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, इसको एक्मे भी कहते हैं, ACME एक्मे यानी हाईएस्ट पॉइंट। आठवीं क्लास में एक लेसन है समिट विद इन, SUMMIT अपने अंदर का शिखिर, यानी जेनिथ का मतलब होता है शिखिर, हाईएस्ट पॉइंट, तो समिट का मतलब भी होता है शिखिर, एक्मे। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जिसको अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, सबसे ऊपरी है, तो सबसे उच्चतम को मैं अपेक्स कह सकता हूँ, एक्मे बोल सकता हूँ, समिट बोल सकता हूँ। इसको अपोगी, APOGEE अपोगी, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ये भी हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है। कल्मिनेशन, CULMINATION कल्मिनेशन को भी हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। क्रेस्ट बोल सकते हैं चोटी, सबसे उत्तरी बिंदु, क्रेस्ट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। पीक बोल सकते हैं चोटी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पीक कहा जा सकता है, ठीक है। क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, CLIMAX क्लाइमेक्स बोल सकते हैं। तो सोच के देखो कितने सारे इसके जो सिमिलर वर्ड हो गए, एक्मे, अपेक्स, समिट, अपोगी, कल्मिनेशन, क्रेस्ट, पीक, क्लाइमेक्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड। क्रेसेंडो भी हो सकता है, CRESCENDO क्रेसेंडो, ये इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का। अगर इसका एंटोनियम्स पूछ लिया जाए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 6 से 7 बार पूछ लिया होगा ये, यानी कि बॉटम, क्या हो जाएगा? बॉटम यानी नदिर, नदिर पूछ लेंगे आपसे, NADIR नदिर, नदिर का मतलब होता है द लोवेस्ट पॉइंट, द लोवेस्ट POINT सबसे निचतम, नीचे का बिंदु, और हाईएस्ट पॉइंट तो ये हो गया, और लोवेस्ट पॉइंट को नदिर कहा जाता है, बॉटम कहा जाता है। क्रेशेंडो, क्लाइमेक्स, पीक, क्रेस्ट, कल्मिनेशन, अपोगी, समिट, एक्मे, अपेक्स, जेनिथ यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मीनिंग है, बहुत पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दे रखा है कॉशस, इसका मतलब होता है सावधानी, इसका विपरीत अर्थक बताना, एंटोनियम्स बताना है हमने। तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। नेग्लिजेंट होता है लापरवाह, तो कॉशस हो गया सावधानी बरतना, यानी कि सावधान, अलर्ट, चुस्त, और नेग्लिजेंट हो गया केयरलेसनेस, इसका एंटोनियम्स आ जाएगा ये। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब भी होता है यानी कि बुद्धिमान होना, ठीक है, वाइज होना, और अलर्ट आपको पता ही है चुस्त होना, ये तो सिमिलर वर्ड हो गया, ठीक है, इसका तो एग्जैक्ट आंसर आ गया नेग्लिजेंट, ठीक है, इसका आ गया था जेनिथ। अगला करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन idiom। idiom दे रखा है आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? बींग केयरलेस, लापरवाह होना, ए डेड सीड, SHEED सीड है ये, डेड सीड
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। समथिंग ओल्ड फैशन, कोई चीज़ पुराने फैशन की हो ना। ए वर्थलेस फेलो, बेकार का साथी, जो बिना काम का है, निकम्मा है, उसको बोलेंगे वर्थलेस फेलो। तो आउट ऑफ डेट को बोलते हैं समथिंग ओल्ड फैशन्स, समथिंग ओल्ड फैशन्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना है। द इंसिडेंट, जो घटना है, मेड ए डैश इम्प्रेशन ऑन करण, जो घटना घटी ना, उस घटना ने करण के ऊपर, इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप, चिन्ह छोड़ देना। कैसे चिन्ह छोड़ दिए? फैक्चुअल, यानी कि जो फैक्ट पर आधारित है। राउंडेड, राउंडेड का मतलब होता है गोल, यानी कि जिसको आप मतलब राउंड का मतलब होता है गोल, ठीक है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और डीप, डीप का मतलब गहरा। तो इसका आंसर आ जाएगा डीप। जो घटना है उसने करण के ऊपर बहुत ही गहरे प्रभाव छोड़ दिया, इसका आ जाएगा डीप। अब देखते हैं पांचवा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना है इसके। देर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। कंटेनर होता है जैसे पानी का होता है, दूध का भी कंटेनर होता है, डीजल पेट्रोल ये जो कंटेनर होते हैं। देर इज नो, ठीक है, डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। रूम, रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का मतलब स्पेस भी होता है। लिंक या आउटलेट या एस्केप, तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें आ जाएगा आउटलेट। एस्केप तो होता है बचना, लिंक का मतलब होता है संपर्क, रूम का मतलब स्थान। आप ये सोचोगे देर इज नो रूम इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, यानी पानी बहने के लिए कंटेनर के अंदर कोई स्थान नहीं था, रूम। यहाँ पर रूम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आउटलेट। आउटलेट का मतलब क्या होता है? आउटलेट होता है कोई लिक्विड या वाटर के लिए जो होल होता है ना, कोई छेद, उसको आउटलेट कहा जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आउटलेट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना। ही इज़ ए डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। द मुगल रॉयल्टी, मुगल जो रॉयल्टी है उसका वो क्या है, उसका वो वंशज है, तो डिसेंडेंट के साथ आता है ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर ऑफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ढूंढना है ओबियस। ओबियस का मतलब होता है प्रत्यक्ष। वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, विभिन्न। फ्लेक्सिबल होता है लचीला। एविडेंट का मतलब होता है ओबियस, एविडेंट का मतलब ओबियस, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये, यानी कि क्लियर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट ढूंढना है। वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। बी वाई, बी वाई होता है ए ग्रुप ऑफ लेडीज़, यानी कि महिलाओं के ग्रुप को बी वाई कहा जाता है। क्वाइट होता है शांत, ऑर्फन होता है अनाथ, और डम होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डम। नेक्स्ट है हमारा एरेनस। ई डबल आर, एरर का मतलब होता है गलत। एरेनस यानी कि रॉन्ग, यानी कि फाल्स। इसके सिमिलर बताना था हमने, तो मैंने वो पूरे ऑप्शन लिखे नहीं। एरेनस का मतलब होता है गलत, यानी कि फाल्स होना, इनवैलिड होना, रॉन्ग होना, ये इसके क्या है ऑप्शन आ जाएंगे। ये इसके सिमिलर वर्ड है। एरनस का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि कोई चीज़ रॉन्ग है, कोई इनवैलिड है, उसको कहते हैं गलत। चूज द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स चूजना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, होपफुल, जो होप रखता है। क्रिटिक, आलोचना करना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, यानी कि डिस्टिंक्ट को बोल सकते हैं हम एक तरह से, मतलब भिन्न होना, कोई चीज़ स्पष्ट होना, उसको डिस्टिंक्ट कहा जाता है। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, निराशावादी, पैसिमिस्ट। और आइडियलिस्ट, जो होपफुल होता है हमेशा। तो ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, इसका सिमिलर वर्ड आ जाएगा, सिनानिम्स आ जाएगा आइडियलिस्ट। सेलेक्ट द सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट ढूंढना, जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं। वेहन द लिटिल गर्ल, जब वेहन टाइम को शो करता है, जब ये लिटिल गर्ल, द क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है, ये नाउन है, ये इसकी विशेषता बताई है। तो वेहन द लिटिल गर्ल लूजिज हर डॉल, सी बिगेन टू क्राई, जब छोटी लड़की अपनी बाल खो देती है, तो बिगेन टू क्राई। तो बिगेन, देखो यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब भी क्या आनी चाहिए, पास्ट में आनी चाहिए। तो लॉजिज तो नहीं आएगा। लॉस द हर डॉल, लॉस खो जाना, नो इम्प्रूवमेंट, लॉजिंग हर डॉल, अपनी गुड़िया खो रही थी, लॉस्ट हर डॉल, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा लॉस्ट हर, पास्ट के अंदर है वो, सेंस पास्ट की है। तो वेहन द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर डॉल, जब उसकी डॉल जो है लॉस्ट हो गई, सी बिगेन टू क्राई, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, क्राई करना शुरू कर दिया। सेकेंड फॉर्म है ये, तो आ जाएगा पास्ट के अंदर ही वाक्य। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड ढूंढनी हमने। पायर्स, पी आई ई आर सी, ई गलत दे दिया इसने,
PIERCE आना था, ई है ना यहाँ पे आना था, तो ये तो गलत। पायरस का मतलब होता है छेदना, सुराग करना। इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, ठीक है। INDI ई गलत है, ये भी गलत है। EXTRACT एक्स का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। EX एग्जैक्ट ये बिल्कुल सही है। लग्जीरियस LUX ई नहीं आओगा, LUXURI ये सी, यहाँ पर भी ई गलती, यहाँ पर भी ई की गलती, यहाँ पर भी ई की गलती, तो एग्जैक्ट आ जाएगा सही। एक्स का मतलब होता बाहर, इन का मतलब अंदर, यानी कि बाहर की ओर होना। सेलेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स एज ऑफ द गिवन idiom, idiom दे रखा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट इज हैपन्स, टू फॉर गिव एंड फॉरगेट, या एट द लास्ट मोमेंट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, यानी एक्चुअली एज इट हैपन्स, एक्चुअली एज इट हैपन्स, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है रियली, वास्तव में, सच में, यानी कि एक्चुअली एज इट हैपन्स, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए, पहला ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का हमने क्या है एंटोनिम्स ढूंढना है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम का मतलब भी शांत, कूल का मतलब भी ठंडा, शांत, पीसफुल का मतलब, ये तो सिमिलर हो गए। ढूंढना एंटोनियम्स, तो स्ट्रोमाई, तो एंटोनियम्स क्या आ जाएगा, स्ट्रोमाई, यानी कि बहुत, जो बहुत ही ज़्यादा तूफानी कह लो, हंगामा लगा लो, ट्रबुलेंट बोल सकते हैं स्ट्रोमाई को, ट्रबुलेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रोधपूर्ण होना, हंगामेदार होना, उसे कहा जाता है स्ट्रोमाई, ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। और आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है 15वां, यदि आपको है ना कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिस्टर कंसल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 ईयर्स, इसके अंदर हमने सब्सटीट्यूट ढूंढना है सिंस का, सिंस की जगह क्या अंटिल आएगा, क्या फ्रॉम आएगा, या फोर आएगा, या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। देखो ये कौन सा टेंस है, हैज़ बीन, हैव बीन पहली फॉर्म के साथ ING प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए तो है ना सिंस का प्रयोग किया जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि दर्शाने के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, तो अवधि दिखाई 10 साल की, तो उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं, तो सिंस की जगह आ जाएगा फोर। मिस्टर कंसल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से रह रहे हैं, तो इसके सिंस की जगह आ जाएगा फोर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।